बालको प्रबंधन के सौजन्य से बालको नगर में माया के रंग नामक नाटक का मंचन हुआ। यह नाटक विश्व प्रसिद्ध नाटककार विलियम शेक्सपियर के लोकप्रिय नाटक ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है। खास बात यह है कि बालको प्रबंधन के प्रयासों से छत्तीसगढ़ में पहली बार यह नाटक खेला गया। ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण अंचल के प्रसिद्ध जनकवि दीन महावीर प्रसाद चंद्रा ने किया है। नाटक के मंचन में इप्टा की बालको नगर इकाई प्रयास ने सराहनीय भागीदारी की। बालकों के उत्पादन में बढ़ोतरी के साथ ही सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी प्रबंधन की भागीदारी बढ़ रही है। इसका ताजा उदाहरण है छत्तीसगढ़ी नाटक माया के रंग। यह विलियम शेक्सपियर के विख्यात नाटक ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण है, जिसे बालको नगर के डॉक्टर अम्बेडकर भवन में खेला गया। बालको प्रबंधन की ओर से प्रस्तुत यह नाटक छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास में मील का पत्थर है। माया के रंग के मंचन में निर्देशकीय कौशल और कलाकारों का समर्पण स्पष्ट नजर आया। बेजोड़ मंच परिकल्पना को देखकर दर्शक अचंभित नजर आए। विशाल आकाश, उसमें तैरते बादल के टुकड़ों, चांद सितारे और सूरज को मंच पर देखकर बरबस ही दर्शकों के मुंह से वाहवाही निकल पड़ती थी। छत्तीसगढ़ की गम्मत शैली, पारंपरिक भारतीय वाद्य यंत्रों की संगत, कलाकारों की ठेठ आंचलिक वेशभूषा और सहज अभिनय ने लगातार 2.5 घंटे तक दर्शकों को बांधे रखा। बालको प्रबंधन के प्रयासों से ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम के छत्तीसगढ़ी में पहली बार हुए मंचन को बुद्धिजीवियों और कला रसिकों की चौतरफा सराहना मिली। लोगों ने बालको की इस पहल को क्षेत्र की कला संस्कृति और कलाकारों के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। बालको का ये जो प्रयास है रंगमंच के क्षेत्र में बहुत ही शानदार है, और ये जो प्ले है इसको तो मैं केवल विलक्षण की रूपा दे सकता हूँ। बहुत ही शानदार, और सबसे बड़ी बात है कि हमारी छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छोटे बच्चों के खेल, पुराने ज़माने के, एकदम ऐसा लगा कि उनको देखकर अपना यानी प्ले को देखते देखते अपने को हम उस पर इतना रम गए कि अपना बचपन याद आने लगा। इस प्रकार से खेल पुराने मतलब चीज़ों को संभाल कर रखते हुए किसी प्ले का यानी वर्ल्ड फेम राइटर के को प्ले करना और उसको लिए और उसके बाद फिर उसका छत्तीसगढ़ में रूपांतरण, ये एकदम विलक्षण चीज़ है।
इस प्ले में तो मैं देखता हूँ कि बिल्कुल 5 वर्ष की बच्ची से लेके 50 वर्ष तक के लोगों का ये जो बंधन, रंगमंची बंधन रहा है, मुझे लगता है कि रंगमंच के माध्यम से जो संस्कार और विशुद्ध भारतीय संस्कार जो जा रहा है, बस मैं तो यही कहूँगा। मैंने पहले कहा कि विलक्षण एक चीज़ यहाँ हो गई और मुझे ऐसा लगता है कि इसको और आगे, इस प्ले को लेकर आगे जाने का है, जिससे हमारी ऊर्जा नगरी की भी बात आएगी कि हमारी ऊर्जा नगरी से भी इस प्रकार रंगमंची कार्यक्रम निकल के आ रहे हैं। हमें आज का ये प्रोग्राम देख के ना बहुत अच्छा लगा, यानी इतना अच्छा लगा कि शायद यानी जो बच्चों को नई नई मतलब बातें सीखने को मिल रही, नई नई प्रतिभाएँ आगे आ रही हैं। ऐसे प्रोग्राम हमेशा होते रहना चाहिए, मतलब जिससे सबको यानी एक बहुत बड़ा मतलब मौका मिल रहा है, और ऐसी उम्मीद करते हैं कि हमेशा ऐसे कार्यक्रम मतलब बालकों में होते रहना चाहिए जिससे सबका मनोरंजन हो, उनको भी बच्चों का तो होते ही है, बाकी हम लोग सब देखने वालों का भी, सभी का मतलब अच्छा मनोरंजन। बालकों वाले इतना अच्छा प्रोत्साहन दे रहे हैं कि मतलब घर घर, एक तो क्या है ये समाचार के द्वारा मतलब सब प्रोग्राम देखने को मिलते हैं, और उससे मतलब सबकी ऐसी मतलब ये प्रबलता सी रहती है कि बालकों में क्या हो रहा है हम देखें, और हम लोग भी हमेशा मतलब ये प्रोग्राम देखते हैं। मतलब ये नाटक जो है बहुत प्रभावशाली, बहुत अच्छा और बहुत ही सही ढंग से किया हुआ नाटक। 2.5 घंटा एक रूपांतरण को, 2.5 घंटा लोगों को बांध के रखने की ताकत दिखाने वाला यह नाटक बहुत अच्छा लगा, और मैं चाहता हूँ कि इस तरह का प्रयास आगे भी होता रहे। इस काम के लिए मैं प्रयास इप्टा को और इसके सारे कलाकारों को धन्यवाद देता हूँ। ये जो बालक प्रबंधन का प्रयास वो बहुत ही अच्छा, बहुत सराहनीय और आगे जारी रखने का के लायक जो है ये प्रयास है, और ये होते रहना चाहिए, ऐसा हम लोग इच्छा है।